छुट्टी का दिन है, बच्चे लेट उठे थे, अभी व्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने कहा पहले लंच वगैरह बना दूँ, कपड़े वगैरह धो दे, फिर बनाते हैं व्लॉग। इतनी तैयार है ना आज व्लॉग बनाने के लिए? आदि तैयार है? ऐसे कर दो फिर, डन। ये सब्जी आज इनकी फिर फेवरेट सब्जी बना दी इनको बहुत पसंद है सोयाबीन की बड़ी, तो मैंने कहा चलो। वैसे तो ड्यूटी में कुछ भी खा लेते हैं, नाई ड्यूटी में जो भी दे दो सब्जी रोटी। मैंने कहा आज छुट्टी है तो स्पेशल बना दूँ इनके लिए, इनकी फेवरेट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आ रखी थी आरोही मेरे भाई की बेटी, तो मैंने कहा व्लॉग शुरू कर दे, क्योंकि आज मन नहीं है। बच्चों का तो ऐसे ही होता है, मन करता है तो कुछ भी कर लेंगे, या नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। चलो फिर, और आज मैं एक खुशखबरी हमारे लिए, तो हम कहीं जा रहे हैं और इतना हिंट दे देती हो, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। और आज अभी नहीं जाएंगे, तो देखते हैं 19 का या 20 का रिजर्वेशन कराते हैं। ट्रेन का तो पहले ही टिकट लेना पड़ेगा, अगर मैं पहले ही बोल दूँ वहाँ जा रहे तो फिर वो होता मुझे भी, अरे कब जाएंगे कब जाएंगे। हम जा नहीं पाए, पहले से सोच रहे थे, बेटे के एग्ज़ाम 26 तारीख को ख़त्म हुए और मेरे बेटे के BCA के 14 या 15 तारीख को ख़त्म होंगे, तो वो आ जाएगा 16-17 में, तो इसी वजह मैंने 19 डेट फाइनल की है। इन्होंने भी छुट्टियां ले ली हैं, तो क्योंकि कहीं भी जाओ घूमने तो पूरा परिवार सही साथ रहे तो अच्छा लगता है ना। 3-4 ऑनलाइन सर्च किया था, एक तो झेलम एक्सप्रेस, एक कर्नाटका, एक गोवा एक्सप्रेस, तो देखते जिसमें भी सीट मिलेगी तो ले लेंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जाने का टाइम है, डेट देख लेती हूँ, 19 फिक्स है। थोड़ी बहुत वेटिंग भी चलेगी तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि छुट्टी वगैरह अप्लाई कर दिया है तो चले। अभी देखते हैं, हमारे यहाँ से पास ही है जहाँ पे रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन काउंटर, पैदल तो 10 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट में बाइक पे चले जाएंगे। अभी को साथ ले जा रही छुट्टी है, चलो फिर वहीं मिलते हैं। थोड़ी दूर पड़ी है, उधर से मुड़ के दूसरा रोड है ना, जो अभी उतर लेके आना उस रोड पे। पैदल आते तो बीच बीच में 10 मिनट में आ सकते थे, तो कोई धूप भी तेज है ना, 4 बज रहे हैं, धूप देखो बहुत तेज धूप हो रही है, ये उमस ही परेशान करती है। जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, फिर बंद होती तो उमस हो जाती, तो बस गर्मी लग जाती है। लेकिन ये है गर्म हवा नहीं है, है ना, जैसे लू चलती थी ना हल्की, तो है अभी देखो 2-3 दिन पड़ेगी बोल रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे चल रहे हैं, नहीं धूप हवा तो पता चल ही जाती है। ये देखो भैया, यहाँ तो ट्रैफिक ही लगा रहता है। फाटक भी खुल गया है, अभी परसों न्यूज़पेपर आया कि जो फाटक का काम बनता ना 10 दिन से ही, तो हो गया फाटक खुल गया। चलो ट्रैफिक कम हो गया तो फाटक खुलने से। जो टी पॉइंट दिख रहा है ना, लेफ्ट जाना है, राइट में तो चलो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, फाटक पड़ता है हमारा लेफ्ट में। यहाँ स्टेशन भी है, पालम रेलवे स्टेशन, देखो हमारे पास हर चीज़ की सुविधा हमारे इधर पालम में, तभी तो यहाँ से जाने का मन नहीं होता कहीं भी। बस वो जब सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ये है आरक्षण केंद्र। चलो चलते हैं, चलते तो मालगाड़ी खड़ी है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है। मालगाड़ी खड़ी है, यहाँ भी पार्किंग बनी हुई है, तो जाते होंगे ना तो बाइक वगैरह खड़ी कर देते होंगे ट्रेन वगैरह से दूर। यहाँ से जयपुर है, राजस्थान से बहुत आते हैं इधर, हरियाणा से और वहाँ से राजस्थान से बहुत जॉब पे आते हैं। बाकी आरक्षण केंद्र ये रहा पास ही, आलम आरक्षण के ही। चलो भैया अंदर चलते हैं,
चलो हो गया आने का और जाने का। थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। चलो भैया हमारा काम तो हो गया, एक बार मैं देख लूँ जरा। 4 साल हो गए इंतजार करते हुए हैं। 2020 में जा रहे थे ना, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था। क्या कौन? अच्छा तुम लोग है, रहने तो कैसे चलाओगे फिर? हैं 2020 में जा रहे थे 27 मार्च को, लॉकडाउन लग गया। अब 4 साल एक तरह से इंतजार किया, 3 साल, अब मौका आया है। तो जब मौका आया तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंसान 3 साल तक इंतजार कर रहा है। ये बात हम तो उस समय जाने वाले थे, बिल्कुल उस समय लॉकडाउन लग गया। हाँ ट्रेन भी बंद हो गई थी, ऐसा लॉकडाउन लगा था। जब हमने जाना था उसी दिन लॉकडाउन लग गया था। हाँ तो नहीं लॉकडाउन लगा था, ट्रेन का ये था कि मैं तो जाऊंगी, अगर ट्रेन बंद होगी तो क्या करना था। ट्रेन बाद में बंद हुई थी लॉकडाउन, हमने जाना था एक दिन पहले ही पता चली। अब मेरे को तो रोने लग गई थी मैं सच में, क्योंकि एक तो सारा हमारा तो बुक हो रहा था, रिजर्वेशन हो रखा था, क्या कहते हैं कितने साल बाद जाओ। हाँ उस टाइम तो गोवा भी जाते हैं वहाँ से ना, गोवा का भी था हमारा सारा। इतने साल अशोक के साथ जा रहे थे, अभी इतने साल बाद जाओ ना और फिर मतलब कैंसिल हो जाए कुछ भी, तो कितना दुख होता है। तो आज वो दुख मेरा खुशी में बदल गया। चलो आड़ू ले लो। हैं आड़ू एक कलर कर देते हो, ये मीठे ही है सच में। बुधवार को तो 70 दे रहे थे। चलो कोई नहीं, सुविधा इतनी है, फ्रूट सब्जी कुछ भी खाने से लेके पीने सब चीज़ की सुविधा है। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये चीज़ लेने हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, द्वारका। हाँ मतलब दूसरी मार्केट जाना पड़ेगा, जैसे द्वारका हो गया, सूर्यनगर हो गया, ठीक है, या आर के पुरम हो गया, हमें यही सब चीज़ मिल जाती है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ भी, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बसें सारी जगह बसें जाती है, मेट्रो जाती है, वही हमारे इधर का फाटक है, फ्लाईओवर भी है, इधर से फाटक पे भी जा सकते हैं, ट्रेन आ रही है। ये देखो खाने पीने की भी शाम को ऐसे लग जाएगी ना लाइन से यहाँ पर, ये तो जबकि मार्केट से अलग है हम। यहाँ पे भी देखो इसको मैरोली रोड बोलते हैं पालम में, पता नहीं मैरोली रोड क्यों बोलते हैं, क्या पता है पहले सीधे मैरोली तक जाता हो, हमें पता नहीं, लेकिन मैरोली रोड बोलते हैं। चलो हम तो भैया हम 20 साल से जानते हैं पालम को, पहले तो हम सदर निकले हुए रहते थे। पापा जी नमस्ते, नमस्ते। चलो बच्चे भी आ रखे, पापा जी का मन नहीं लग रहा था बच्चों के बिना। है आज तो मजे आ गए, हैं पहले भी खाई, आज लीची वगैरह थी, आज पापा जी अकेले रह गए। मैं इसको बोला था बेबी को, मैं कहा बोल पापा जी को आ जाएंगे मेरे का। चलो सही है, मैंने कल चिकन बनाया, कल बनाया आपने, चलो सही है। अच्छा देखो पोती कैसे दादा के प्यार कर रही है, वो कह रहा मुझे बिरयानी खानी है। देखो पापा जी कितने मिस करते हैं बच्चों को, ये भी कर रही थी प्यार कर दिया दादा को अपने, ये सबको ही प्यार करते हैं, तो बहुत प्यारी लड़की है। आज मेरे पापा आए थे तो मैं बिजी थी काम वाम में, अभी 12:30 बज गए, तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि 12:30 हो गए ना, अभी एडिट भी करना है। चलो आदि गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट गाइस। आज का ब्लॉग मेरे पापा के साथ एंड पापा के साथ करूंगी, ठीक है, और मेरे ब्लॉग पर लाइक कर देना, शेयर कर देना। पापा जी ऐसे कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।